आपको कितना से डील हुआ, कितना पे डील हुआ वार्ड लोगों का, कितना दे रहे हैं आप? हम तो नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में, और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। मैं बता दूँ, पंचायती चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन अब लड़ाई है तो उप प्रमुख, जिला परिषद चेयरमैन का और मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना जाए या उप मुखिया चुना जाए। तो हम बात करेंगे आज आदमापुर पंचायत से एक वार्ड पति चुनाव को जीते हैं और ये दावेदारी कर रहे हैं उप मुखिया का। हम इनसे जानेंगे कितना में डील हो गया है एगो वार्ड साहब को देने के लिए, क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं बिना डील का हिसाब नहीं होता है, और क्यों ये वार्ड से लोगों का समर्थन लेकर और क्यों उप मुखिया मुखिया बनना चाहते हैं। चलिए हम इनसे रूबरू होते हैं। चलिए सबसे पहले आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आपकी पत्नी जी वार्ड का चुनाव जीती हैं? जी जी, सुमन देवी मेरी पत्नी है, वो वार्ड की चुनाव जीती हैं जी। मैं वार्ड पति जीतन पंडित हूँ। मैं अपने आदमापुर पंचायत के 14 वार्ड है, जिसमें एक सुमन देवी मेरी पत्नी है, 13 वार्ड है, जो 13 वार्ड के जो भी सदस्य हैं वो हमारे साथ निस्वार्थ भाव से साथ दे रहे हैं। आपको कितना से डील हुआ, कितना पे डील हुआ वार्ड लोगों का, कितना दे रहे हैं आप? हम तो कुछ भी पैसा नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ जो भी वार्ड प्रत्याशी है निस्वार्थ भाव से वो मेरे साथ दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब पैसों से डील नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके पत्नी चुनाव जीती हैं, जो वादा किए हैं वादा निभाएंगे आप? मैं तो वार्ड में जो वादा किए हैं चाहे जो भी बात कहे हैं उससे कहीं हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम लाने का काम करेंगे और काम वो करके दिखाएंगे। लेकिन आप एक वार्ड हैं तो काहे नहीं वार्ड में रह जाते हैं? क्या जरूरत है ये सब उप मुखिया उखिया बने पैसे वैसे कुछ खर्चा करने, क्या जरूरत है मैंने क्या है? मैं कहने का मतलब यह है कि मुखिया जो चाह रहा है कि हम अपने ही पार्टी से या अपने ही दोस्त या अपने ही लोग या अपने ही वार्ड सदस्य के रखें कि जो चाहेंगे वो अपने मनमानी कर सकते हैं, करा सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि इस तरह का होगा तो हमारे पंचायत का विकास नहीं होगा। हम अपने पंचायत के विकास के लिए चाह रहे हैं कि हम विपक्ष में बैठे और वो प्रतिपक्ष के हैं। हम चाह रहे हैं कि अपने पूरे आदमापुर पंचायत में जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनके साथ मिलजुल कर एक यूनिटी बनाकर एक साथ रहें और पूरे पंचायत में विकास का काम करें, फंड लाकर और अपने पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का काम करेंगे। अगर आप उप मुखिया हैं और मुखिया इससे बात नहीं बनेगा तो कैसे फंड आएगा क्षेत्र में, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे फंड लाइएगा आप, बात नहीं बनेगा? देखिए, मुखिया जी से बात बनने की बात है तो मुखिया जी ऐसे थोड़ी है कि हमारे माने पंचायत की बात है तो अगर एक साथ यूनिटी रहे और सभी आदमापुर के जनता चाहे कि हमारे पंचायत का विकास हो तो हर एक वार्ड सदस्य जीता हुआ है तो वो गांव के भलाई के लिए ही जीता हुआ है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सबको मिला जुला कर और विकास का काम कराने का काम करेंगे। अगर साथ ये मजबूती हमारे साथ रही तो मुखिया कितना भी चाहे कि हम नहीं काम देंगे तो उनके बस की बात नहीं है। हम लोग एक संगठन बनाकर जरूर काम कराने का काम करेंगे। कितना वार्ड लोग आपके इसमें आ गए हैं लोग, कितना वार्ड लोग आपके समर्थन में आ गए हैं लोग तक? अभी तक हमारे साथ तो 9 वार्ड साथ में हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से हैं। हम चाह रहे हैं उससे भी ज़्यादा हो और एक कम्युनिटी बने। अच्छा, तो आप अपने पंचायत में कौन कौन सा विकास कीजिए अगर उप मुखिया बन जाइएगा आप तो? अपने पंचायत में यह है कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनके यहाँ जितने भी फंड वार्ड के तरफ से जो आता है वो तो विकास होगा ही, बाहर से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा काम लेकर कोशिश कर उस पर आवेदन देकर डिमांड करेंगे कि काम हमारे पंचायत का जो मिले, जो भी जल नल की व्यवस्था में कमी पड़ी है उसका सरकार से मांग करेंगे हम लोग और मांग करके परिपूर्ण करने का काम करेंगे। चलिए, अंतिम सवाल यही रहे, क्या कुछ अपील कीजिएगा अपने पंचायत की जनता से और उस वार्ड परिषद लोगों से, क्या कुछ आग्रह कीजिएगा उन लोगों से? मेरे वार्ड के जितने भाई बंधु हैं उनसे मैं यह आग्रह करता हूं कि साथ मजबूती के साथ हम लोग का एक साथ एक जुड़ता रहता है तो हमें उम्मीद है
कि मुखिया कितना भी चाहेगा कि हम वार्ड लोग का काम छीन लेंगे, काम नहीं देंगे, काम नहीं होने देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम काम कराने का काम करेंगे, हर हाल में काम होगा, इसमें किसी तरह का डर भय करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये थे वार्डपति, थे उप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हुआ है वार्ड लोगों से। लेकिन हम बता दें कि ऐसे बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन हर जगह डील हो जाती है। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा, हर क्षेत्र से उप मुखिया के लोग दावेदारी कर रहे हैं, मुखिया से संगठन मिला रहे हैं लोग, लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले मुखिया का उप पंचायती चुनाव में, आने वाले उप मुखिया का चुनाव में क्या कुछ आता है, आने वाले दिनों में खुद पता चलेगा। धन्यवाद।